बढ़ा चढ़ाकर बताती है, ये आपने देखा होगा। लेकिन अपने इसी काम की वजह से बोधी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा मारे मारे फिर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है और अब वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं जो पूरी जानकारी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। दोस्तों, राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर जिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। FIR के बाद अब राजस्थान पुलिस उन्हें नोएडा दिल्ली में भी ढूंढ रही है। राजस्थान पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में। पुलिस की एक टीम अमन चोपड़ा की खोज करते हुए उनके नोएडा स्थित दफ्तर में गई, लेकिन वो वहां नहीं मिले। 2 और 3 मई को अमन चोपड़ा ने अपने शो को भी नहीं किया था, देश नहीं झुकने देंगे। इस शो की एंकरिंग भी वो नहीं कर रहे। अमन चोपड़ा की जगह लाउडस्पीकर विवाद की रीमा प्रसाद ने शो को किया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेकमार्क दौरे को लेकर प्रीति रघुनंदन ने इस शो को किया था। चोपड़ा के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की साजिश रचने और दंगे भड़काने के अलावा देशद्रोह की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज, एक केस बूंदी जिले के सरद बूंदी थाने क्षेत्र में दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, बिश्वीवाड़ा थाने में केस दर्ज हुआ था, लेकिन कोतवाली थाने में उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। डूंगरपुर कोतवाली के SHO दिलीप दान का कहना है कि हमारी 5 से 6 लोगों की टीम राजस्थान से दिल्ली नोएडा गई, मैं खुद भी उनके साथ था। हम अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा स्थित उनके दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन हमें वो नहीं मिले। हमने उनके दफ्तर में CRPC की धारा 91 का एक नोटिस देकर आए, जिसका जवाब देने के लिए 5 मई तक का समय दिया गया है। अगर 5 मई तक अपना जवाब दाखिल नहीं करते तो उनके खिलाफ फिर से CRPC की धारा 93 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, उस एपिसोड की कॉपी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कौन था, साथ ही इनके नाम पतों की भी जानकारी मांगी गई। दरअसल आपको बता दें, अमन चोपड़ा ने 22 अप्रैल को अपने शो देश नहीं झुकने देंगे में राजस्थान के अलवर में हुए अतिक्रमण की कार्रवाई को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला बताया था। शो में अमन बार बार जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला लाइन को दोहरा रहे। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। दर्शकों को बता रहे थे कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, उसके बदले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया है। वह अपने शो के दौरान कहते हैं कि यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। 2 दिन पहले ही जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला और राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। इसमें एक 300 साल पुराने मंदिर थे। अब यह कोई इत्तेफाक नहीं और कुछ कनेक्शन नहीं है, ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला और 2 दिन बाद 22 अप्रैल को मंदिर पर बुलडोजर। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? क्या ये प्रयोग है? अमन ने पूरी तरह से गलत जानकारी शो के जरिए फैलाई। सच तो यह है कि अलवर में अतिक्रमण ढाने का कार्रवाई 17 अप्रैल को ही की गई, जिसमें एक मंदिर को भी तोड़ा गया था। यह कार्रवाई जहांगीरपुरी में मस्जिद का गेट तोड़ने के 3 दिन पहले हुई। जहांगीरपुरी के अतिक्रमण की कार्रवाई 20 अप्रैल को हुई, इसके बावजूद अमन ने इसे बदला बताया और 22 अप्रैल की घटना बताया। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर इस तरह से झूठी खबरें फैलाकर लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम करते हैं और दंगे फैलाते हैं, जिसका नतीजा आज अमन चोपड़ा को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।